वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड मुझे विदा कर में आपने देखा कि काशफा के सिखाने पर उसके माँ बाप अगले ही दिन रिदा के घर पहुँच जाते हैं रिदा को लेने और वहाँ जाकर खूब हंगामा भी करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बेटे की अमानत हो, जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लिहाजा वो उसे वापस ले आते हैं। रिदा तो मना करती है आने से, मगर उसका भाई अनीक उसे जाने का बोलता है। ससुराल वापस आने के बाद उसके ससुर साहब उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं ये कहकर कि हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ उसकी सास उसे घर के कामों पर लगा देती है। इधर रिदा के जाने के बाद सादिया की माँ भी उसे ससुराल छोड़ के आने का फैसला कर लेती है, और वहाँ तौसीफ की माँ भी तौसीफ से कह चुकी होती है कि तुम्हारी बहन के ससुराल वाले अगले महीने की तारीख मांग रहे हैं शादी के लिए, और बार बार सादिया का भी पूछ रहे हैं, ऐसा करो कुछ दिनों के लिए इस मनहूस को ले आओ, एक बार शादी हो जाए फिर जो करना होगा कर लेना। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि सादिया की अम्मी और सादिया वहाँ पहुँच जाती हैं। खैर सादिया को रखने में तौसीफ और उसकी माँ का अपना मतलब शामिल होता है, लिहाजा वो सादिया को रख लेते हैं और कोई तमाशा नहीं करते। उसी तरह उस्मान की कॉल आ जाती है कि वो पाकिस्तान आ चुका है और जल्द ही घर आ रहा है। उस्मान के वालिद साहब मौके का फायदा उठाते हुए रिदा को बोलते हैं तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, ऐसा करो तुम चली जाओ और जितने दिन चाहो वहाँ रुक जाओ। रिदा तो इतनी मासूम होती है, झट से खुश होकर अपनी माँ के पास जाने का सोच लेती है, मगर ये नहीं सोचती कि आखिर उसके ससुर के बदले हुए रवैये की वजह क्या है। उस्मान के घर आने से पहले ही रिदा वहाँ से जा चुकी होती है। उस्मान जैसे ही घर वापस आता है वो बताता है उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया और दूसरे लोगों के साथ भी, लिहाजा अब वो अपना सब कुछ बेच बाज के रकम अदा करके आ गया है, उसे डिपोर्ट कर दिया गया है और वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस आ चुका है। ये सुनकर तो सबका मुंह लटक जाता है। काशफा जिसे हर वक्त चीज़ों का लालच ही पड़ा रहता है, ये सुनकर तो वो अपने अब्बा को बोलती है कि ये रिदा ही मनहूस है, जब से उस्मान की जिंदगी में आई है मुश्किलात में फंसता चला जा रहा है। उस्मान जब रिदा का पूछता है तो वो लोग उसे बोलते हैं कि वो तो यहाँ टिकती नहीं, उसका दिल तो अपने मायके में लगता है। ये सुनकर उस्मान को बहुत बुरा लगता है कि वो उसके माँ बाप को छोड़कर वहाँ रह रही है। तो फ्रेंड्स अब क्या उस्मान और रिदा के दरमियान दूरियाँ आ जाएंगी उस्मान के घर वालों की वजह से, और सादिया क्या करेगी जब वो तौसीफ को कॉल पर खाला की बेटी से बातें करते हुए सुन लेगी, और क्या तौसीफ को अपनी ज्यादतियों और गलतियों का एहसास होगा जो वो सादिया के साथ करता आ रहा है। मजीद आगे क्या कुछ होगा ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें।